जिंदगी में ना होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई उम्मीद आपका इंतजार कर रही होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में। आज का हमारा टॉपिक है सीड्स जर्मिनेशन इन ग्रो मीडिया। तो फ्रेंड्स, यदि आपके सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में उसी एक नई उम्मीद की इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी अपने सीड्स को जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। पौधों को उगाने के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है सीड्स को जर्मिनेट करना। आप सीडलिंग ट्रेस में सब्जियों, फूलों तथा अन्य सीड्स को आसानी से जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सीड्स को जर्मिनेट करने से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। मेरी पहली टिप है सीड्स की क्वालिटी। यदि आपका सीड पुराना है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वह सीड देर से जर्मिनेट होगा या फिर जर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर आपको चेक करना है कि आपके पास जो सीड है वो अच्छे हैं कि नहीं, तो सबसे पहले आपको एक बर्तन में पानी लेना है। उस पानी में सीड्स को डिप करके 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जो सीड्स नीचे बैठ जाएंगे इसका मतलब है वो जर्मिनेशन के लिए अच्छे हैं, और जो पानी के ऊपर तैर रहे होंगे वो खराब सीड्स होंगे, आप उनको यूज ना करें। मेरी सेकेंड टिप ये है कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स कहाँ से खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके घर में जो भी आप सब्जी यूज़ करते हैं आप उसके सीड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, सब्जी का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और दूसरा, वो फ्रेश ना हो, सब्जी थोड़ी पुरानी हो, क्योंकि पकी हुई सब्जी के सीड्स ही मैच्योर होते हैं और उनसे ही दूसरा प्लांट बन सकता है। अगर आपको ये सीड्स घर में ना मिले तो आप किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के सीड्स भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थर्ड मेरी टिप है सही टेम्परेचर। सीड तभी अच्छे से जर्मिनेट होगा जब टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होगा। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर आप इन नंबर्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं जब मौसम चेंज हो रहा होता है, सीड्स तभी अच्छे से ग्रो होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी नवंबर स्टार्टिंग है, हम गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है। सेम इसी तरह फरवरी एंडिंग और मार्च की स्टार्टिंग में हम सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं, फैन ऑन होने लगते हैं और मौसम बदलने लगता है। इन दोनों मौसम को स्प्रिंग और ऑटम कहते हैं। इनमें सीड्स अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। अगर एक बार बहुत ठंड या बहुत गर्मी आ गई तो सीड्स का जर्मिनेशन रुक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस की रेंज से बाहर चला जाता है। फोर्थ मेरी टिप है सीड जर्मिनेट करने के लिए बेस्ट ग्रोइंग मीडियम, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से सीड जर्मिनेट होते होते रह जाते हैं। आप अक्सर सीड्स को मिट्टी में, कोकोपीट में या फिर किसी भी अन्य ग्रोइंग मीडियम में जर्मिनेट करते होंगे। ग्रोइंग मीडियम बहुत मैटर करता है, क्योंकि ग्रोइंग मीडियम जिससे हम सीड जर्मिनेट करते हैं वह बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हम सीड्स को मिट्टी में जर्मिनेट करते हैं तो मिट्टी बहुत हार्ड होती है, जिसके कारण सीड जर्मिनेट होने के बाद भी वो अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनकी रूट्स जो है वो अंदर अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाती हैं। इसलिए ग्रोइंग मीडियम बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। कुछ लोग कोकोपीट का यूज़ करते हैं सीड्स के जर्मिनेशन में, क्योंकि वे बहुत सॉफ्ट होती है और मिट्टी के कंपैरिजन में कोकोपीट में सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है। लेकिन यहाँ पर एक कमी रह जाती है, कोकोपीट में सीड्स तो बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन बाद जब 4-5 लीव्स आ जाएंगी तो ये सीडलिंग काफ़ी बीमार सी दिखने लगेगी, झुकने लगेगी, ख़राब होने लगेगी, क्योंकि कोकोपीट में न्यूट्रिशंस की कमी होती है, जिसके कारण प्लांट्स को एक हेल्दी ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए मैं आप सभी को उमाहा ग्रो मीडिया सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए इसी का यूज़ करती हूँ। मैं अपने काम को आसान करने के लिए उमाहा ग्रो मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि मुझे इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उमाहा ग्रो मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसके मेन कंपोनेंट्स है कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट एंड परलाइट। इन सभी कंपोनेंट्स को एक प्रॉपर रेशो में मिक्स किया जाता है,
जिसमें 13 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, निकल एक्स्ट्रा और 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम पाए जाते हैं, जिससे प्लांट को एक हेल्दी ग्रोथ मिलती है। और उमाहा ग्रो मीडिया सीड जर्मिनेशन प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट मीडियम है। उमाहा ग्रो मीडिया क्या है उसके लिए आप मेरे चैनल में उमाहा ग्रो मीडिया के वीडियो को देख सकते हैं। अब आपको सीडलिंग ट्रे में सबसे पहले उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर डालना है। फिर आपको सीड्स को ग्रो मीडिया मिक्सचर के अंदर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रखना है, इसको दबाना नहीं है। डिस्टेंस पर इसलिए रखना है क्योंकि जब सीड्स जर्मिनेट होंगे तो इनकी रूट्स को जगह मिल सके स्प्रेड होने के लिए, और जब इनको अदर ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे तो आप आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे। फिर आपको उमाहा ग्रो मीडिया की एक पतली सी लेयर से सीड्स को कवर करना है। उसके बाद आपको अच्छे से स्प्रे करके पानी देना है। आप इसे पानी मग या किसी ग्लास से ना दें। अगर आप किसी मग या ग्लास से इसे पानी देंगे तो सीड्स जो हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए स्प्रे वाटर कैन से ही पानी दीजिए। इस प्रोसेस से सीड बहुत फास्ट जर्मिनेट होंगे। जब वह बड़ा होने लगेगा तो उसकी रूट्स को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर के अंदर वे सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो एक प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। उमाहा ग्रो मीडिया का यूज़ करने से सीड्स बहुत फास्ट जर्मिनेट होने लगेंगे। सीडलिंग को सही टाइम पर न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सीडलिंग जो है वो हेल्दी होगी। आपके सीड्स 2, 5 या फिर 10 दिन ले सकते हैं जर्मिनेट होने के लिए। यदि 10 दिन में भी सीड जर्मिनेट नहीं होंगे तो जर्मिनेशन के चांसेस बहुत कम हैं। फिफ्थ मेरी टिप है, सीड्स लगी हुई सीडलिंग ट्रेस को आपको कहाँ रखना है। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। सीड्स का जर्मिनेशन मेन टाइप से ग्रोइंग मीडियम और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप जर्मिनेशन के टाइम सीडलिंग ट्रेस को किसी शेडी या फिर किसी गर्म जगह पर रख सकते हैं। अगर आप सीड्स लगे हुए सीडलिंग ट्रेस को डायरेक्ट धूप के नीचे रखते हैं तो सीड जर्मिनेट होने में काफ़ी दिक्कत होगी। आप ग्रोइंग मीडियम को सूखने ना दें और ग्रो मीडियम में सही मात्रा में नमी बनाए रखें, जिससे कि सीड जो है वो जल्दी से जर्मिनेट हो सके। सिक्स मेरी टिप है सीड जर्मिनेशन के लिए पानी। आप सीड्स लगे हुए सीडलिंग ट्रेस की ऊपर की लेयर को सूखने ना दें, पानी का स्प्रे करते रहें, लेकिन बहुत अधिक पानी भी ना दें क्योंकि अधिक पानी देने से सीड्स में फंगस होने का खतरा हो सकता है। उमाहा ग्रो मीडिया इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सीडलिंग ट्रे में ओवर वाटरिंग नहीं होने देता, मॉइस्चर को भी मेंटेन रखता है। मेरे एडवेंचर अर्बन फार्मिंग चैनल पे उमाहा ग्रो मीडिया की वीडियो अवेलेबल है। अगर आप मेरी उस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप उमाहा ग्रो मीडिया के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। लास्ट और सेवन्थ मेरी टिप है पक्षियों से सीड्स की सुरक्षा। उड़ते हुए पक्षी आपके सीड्स को सीडलिंग ट्रे में से या फिर ग्रो बैग में से ले जाते हैं। इन बर्ड से सीड्स को सेफ रखने के लिए आप सीड्स लगे हुए सीडलिंग ट्रेस या फिर ग्रो बैग को किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए, या फिर आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड जितनी भी टिप्स आपसे शेयर की हैं, अगर इन सभी टिप्स को आप सही से फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके सीड्स जो हैं वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो मैं आपके लिए इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। मेरी कंटिन्यूस वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, एंजॉय गार्डनिंग। बाय बाय, सी यू सून।